नमस्ते, देवदर्शी किचन में आप सबका स्वागत है। जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपना चैनल का नाम अरोमा से देवदर्शी किचन रख चुका हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा खाने के लिए जितना स्वादिष्ट और डिलीशियस होता है, बनाना भी इतना ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं आज हमने कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया है। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए आज हमने लिया है 6 से 7 टेबलस्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, 1 कटोरी दही, स्लाइसेस कटा हुआ ओनियन यानी कि प्याज, उसके साथ चॉप कटा हुआ आलू, आलू को ऐसे काटेंगे पकौड़े बनाने के लिए। उसके साथ हमने लिया है कटी हुई धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स, उसके साथ हमने लिया है थोड़ा जुलियन अदरक, चॉप गार्लिक, थोड़ा सा मेथी का पत्ता कस्तूरी मेथी, उसके साथ हमने लिया है करी लीव्स, थोड़ा सा सूखी मिर्च, स्वाद के अनुसार हल्दी, नमक और थोड़ा सा राई और जीरा। चलिए बनाते हैं। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए पहले हम पकौड़े को तलेंगे, उसके बाद हम कड़ी बनाएंगे। जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो चलिए देरी ना करके बनाते हैं हमारा टेस्टी कड़ी पकौड़ा। पकौड़ा बनाने के लिए हम जो बैटर बनाएंगे, तो बैटर में अब हम डालेंगे 3 से 4 बड़ी चम्मच बेसन, 2 से 3 थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी अच्छा कलर आने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो कटी हुई आलू रखा था, उसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटी हुई प्याज, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, उसके साथ हम डालेंगे धनिया पत्ता, थोड़ा सा जुलियन अदरक। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप अगर चाहो इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हो, थोड़ा सा मतलब 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, ना डालोगे भी कोई बात नहीं। अब हम इसको इसमें डालेंगे पानी और इसको हल्की हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। अगर हम गैस में कढ़ाई बिठा चुके हैं और तेल गरम होने के लिए कि काम भी हर का अच्छे से साथ साथ हो जाए। तो देखिए हमारा पकोड़ा का बैटर भी बनके हमारा तेल भी गरम हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पकोड़े तलते हैं। और इसे अच्छे से पकने देंगे। अपना पकोड़ा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसे स्ट्रेन करके एक प्लेट में निकाल देते हैं। ऐसे तो अब हमारा पकोड़ा बनके तैयार है। हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम बनाएंगे अपना कड़ी के लिए बेसन का घोल। तो घोल बनाने के लिए हमने लिया है 2 बड़ी चम्मच बेसन। आपको ये बता दूं, आप चाहो तो कोई कोई अपना कड़ी बहुत थिक बनाते हैं और कोई कोई अपना कड़ी थोड़ा पतला बनाते हैं।
तो आज मैं जो अपना कढ़ी बनाने वाला हूँ वो थोड़ा सेमी थिक बनाऊंगा, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। तो इसी दौरान मैंने इसमें एक कटोरी दही मिला चुका हूँ और इसको अच्छे से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ही घुमाएंगे, जैसे कि इसमें बेसन का कुछ भी बबल्स ना रहे। अगर इसी को बनाने के दौरान आपको लगे कि ये थोड़ा ठीक यानी कि गाढ़ा बन चुका है, आप इसमें पानी डाल सकते हो। हालांकि मैं इसमें एक कटोरी पानी डालने वाला हूं और इसको अच्छे से मिला दूंगा, क्योंकि जब हम तड़का देंगे इसको इसी दौरान बेसन थोड़ा फूलता है। तो आपको अगर लग रहा होगा इतना पानी दे दिया, थोड़ा पतला बना दिया, एक्चुअली ये मैं पतला नहीं बनाया, जब हम इसको पकाएंगे तभी बेसन फूलने के वजह से ये गाढ़ा होते जाएगा। देखिए हम अच्छे से बेसन का घोल बना चुके हैं, अब चलते हैं इसी कड़ी को तड़का देने। तो तड़का देने के लिए हमने गैस में कढ़ाई बिठा चुके हैं, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और सरसों और इसको थोड़ा ऐसे मिला देंगे, थोड़ा चटकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ये चटक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। और इसे थोड़ा चला देंगे ऐसे, कच्चे में इसको अच्छे से चलाएंगे। जो कड़ी पकोड़ा हम बना रहे हैं इसमें हम 2 बार तड़का देंगे, एक कड़ी को तड़का देंगे और दूसरी बार ओवरऑल कड़ी पकोड़ा को तड़का देंगे एक अच्छा कलर आने के लिए। प्याज भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक, जुलियन जिंजर और इसे थोड़ा मिला देंगे और प्याज को थोड़ा ब्राउन कलर यानी कि पकाएंगे। अच्छे से तलने के बाद अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा कटी हुई धनिया पत्ता, थोड़ा चला देंगे कच्ची को और हम इसमें डालेंगे हमारा बेसन का घोल। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको इसी दौरान जरूरत पड़े तो आप और थोड़ा पानी भी दे सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा कलर आने के लिए हल्दी और स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक। नमक और नमक आपके ऊपर है, आप आपके हिसाब से नमक कम या ज्यादा कर सकते हो। इसको थोड़ा अच्छे से पकने देते हैं। देखिए हमारा बेसन के घोल में अभी उबल आने लगा है, हम इसी दौरान इसमें डालेंगे क्रस्ट कस्तूरी मेथी, जो कि हाथ में हम थोड़ा ऐसे ये करके इसी में डाल देंगे और इसको थोड़ा चलाएंगे। इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा आया है,
सिर्फ दिखने के लिए नहीं, खाने के लिए भी। इसको और 2 से 3 मिनट ऐसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पकोड़ा डालेंगे। देखिए अब 2 से 3 मिनट हो चुका है और देखिए हमारा दही का घोल कितना अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। अब हम गैस का फ्लेम को थोड़ा सिम कर देते हैं और इसे और थोड़ा चलाते हैं। इसी टाइम हमने जो पकोड़ा रखा था अब एक एक करके अब इसमें डालेंगे। डालने के टाइम थोड़ा केयरफुली क्योंकि दही गर्म है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम दोबारा इसे 2 से 3 मिनट ऐसे पकाएंगे। उसके 2 से 3 मिनट हो चुका है और इसमें दोबारा अच्छे से उबाल आ चुका है। हम अभी गैस का फ्लेम को अप कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस दौरान हम दूसरा तड़का तैयार करेंगे। दोबारा छोक बनाने के लिए हम एक पतीला गैस में बिठा चुके हैं। इसमें हम डालेंगे ज़्यादा नहीं, बस 1 टेबलस्पून तेल। आप चाहो तो इसमें आप घी भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च जो हमने रखा था। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई जो अदरक और चॉप गार्लिक और इसे थोड़ा मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता, कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर और गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। आप चाहो तो इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो। और जो राई और जीरा था वो मैं पहले तड़का के टाइम इसमें ऐड कर चुका हूँ, इसीलिए मैं दूसरे तड़का के टाइम इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि उसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसमें। अब हम जो तड़का बनाए थे इसको कड़ी के साथ मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाने के बाद इसी कढ़ाई में डाल देंगे। और कड़छी में इसको और थोड़ा चलाते हैं। तो चलिए मैं आपको फाइनल प्लेटिंग करके दिखाता हूँ हमारा कड़ी कितना सुंदर दिखता है। अब हमारा कड़ी पकोड़ा बनके तैयार हो चुका है जो कि देखने के लिए भी बहुत खूबसूरत है। अगर मेरा कड़ी पकोड़ा बनाने का तरीका आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना। आप इसको खुद बनाना और अपनों के साथ शेयर करना और आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। वीडियो बनाने के दौरान अगर मेरे में कुछ भी गलती हो गया होगा या मेरा कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करना और कमेंट करके गाइड करना। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड टुडेस ब्लॉग। होप यू ऑल एंजॉय योर डे। थैंक यू।